नववर्ष 2022 के आगाज के साथ ही बाद में विधायक मेवाराम जैन ने राजकीय चिकित्सालय का दौरा किया। राजकीय हॉस्पिटल पहुंचे जैन ने मरीजों से आत्मीय मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। वहीं हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। विधायक जैन ने हॉस्पिटल में चल रहे रिनोवेशन कार्य की प्रगति व आईसीयू को देखने के साथ हॉस्पिटल में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक यूनिट का भी निरीक्षण कर वहां पर लाभान्वित हो रहे मरीजों की जानकारी दी। अंग्रेजी नववर्ष की पहली सुबह जिला अस्पताल पहुंचे बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने अस्पताल का निरीक्षण किया। विधायक जैन ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बी एल मंसूरिया समेत चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों को गुलदस्ता भेंट कर नए साल की बधाइयां दी। इसके साथ ही विधायक मेवाराम जैन ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों से भी मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। विधायक जैन ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों की कुशल क्षेम जानी एवं अस्पताल में मिल रहे इलाज, दवाइयों, निःशुल्क दवा एवं जांच के बारे में भी जानकारी ली। विधायक जैन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहे रिनोवेशन कार्य की प्रगति को भी देखा। विधायक ने अस्पताल के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक यूनिट और बामाशाह पृथ्वीराज सिंह कोलू द्वारा बनाए जा रहे अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि अस्पताल में कार्यरत तमाम स्वास्थ्य योद्धाओं ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मानवता को बचाने के लिए भागीरथी का कार्य किया है। ऐसे तमाम स्वास्थ्य योद्धाओं को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ अस्पताल में मरीजों से मुखातिब हुआ और मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। जैन ने कहा कि अस्पताल में बाबासाहेब पृथ्वीराज सिंह कोलू द्वारा बनाया जा रहा अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का कार्य अपने अंतिम पड़ाव में है और जल्द ही बाबासाहेब द्वारा यह आईसीयू अस्पताल प्रबंधन को सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं यहां उपलब्ध हो सकेगी। विधायक जैन ने निरीक्षण के दौरान नगर परिषद सभापति दिलीप माली भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बी एल मंसूरिया, अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी भी उनके साथ मौजूद रहे।